सलाम, दिस इज योर बॉय बॉयफ्रेंड विद द न्यू गेम्स एंड अनदर वीडियो। तो गाइज मैं इधर नवाबशाह हूँ, नवाबशाह में किसी पर्पज़ की वजह से आया था, तो इसलिए एक सेकंड में बाल बना लूँ। तो गाइज मैं नवाबशाह किसी पर्पज़ की वजह से आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। पहले मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, कोई वीडियो शूट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन बट सडनली मुझे ये ख्याल आया कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करना सीखना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाते हैं, सिर्फ एक व्लॉग लेकिन बनाऊंगा, जो भी व्लॉग बनाऊंगा। तो इस देखने क्या होगा क्या नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया अब आगे क्या होगा, लेकिन जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे कुछ भी करेंगे, जहाँ भी घूमेंगे फिरेंगे वो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और मैं वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ और मैं व्लॉग एक इंटरटेनिंग अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं। और जैसे कि मैं जिस रूम में रुका हूँ वो तुम देख सकते हो किस हालत में, ये देखो ये रंग हटा हुआ है सारा दीवार पे से। शूज़ वगैरह मैं लाया हूँ, दो शूज़ अपने, मुझे असल में तीन शूज़ लाने थे लेकिन मम्मा ने बोला इतना सामान ले जाएगी क्या करोगे, लेकिन मुझे लाने थे फिर भी मैं नहीं ला पाया, मैं दो लेकर आ गया, दूसरा भी मना कर रही थी। तो देखते हैं कैसे आगे क्या होता है और क्या नहीं, लेट्स सी। वैसे मेरे बाल बहुत सेक्सी हो रहे हैं, है ना। जब थोड़ी देर बारिश रुकी तो हमें कोई काम था, हमाद और मुझे, हमाद मेरा कज़न, तो हम दोनों बाहर गए बाइक पे। जब वापस आ रहे थे तो बारिश स्पीड में हो गई। मैंने कहा हमाद नहीं चलते, थोड़ी देर इधर दुकान पर रुकते हैं फिर अपन चल लेंगे, क्योंकि बारिश बहुत फास्ट हो रही है और हवा के साथ हो रही है। बोला नहीं चलो चलो। तो फिर ये हमारा हाल हुआ। तो भाई सीन ये है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाहर तो जा नहीं सकते इतने रुले, फिर भी हम गलती से चले गए। वैसे नहाया था फिर मैं बाइक पे बाहर किसी काम से गया, अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो अब हम बाहर नहीं जा सकते, घूम रहे हैं जो भी करते हैं इंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय। तीसरे दिन हमने सोचा क्यों ना नाश्ता बाहर से करते हैं, तो पराठे हमाद और मैं लेने गए बाइक पे। जहाँ पे गए वहाँ हमाद का एक बंदा दोस्त था, उसने बोला भाई आ जाओ शेक पियो। दौलतपुर चला गया क्योंकि मुझे बकराईद भी दौलतपुर में मनानी थी, तो वहाँ हम गए और फिर मैंने फर्स्ट टाइम अपना जानवर देखा जिसको ज़िबा करना था बकराईद पे, तो आप भी देख सकते हैं। ये चीज़ कल बेचारा नहीं होगा इस टाइम पे, कोई बात नहीं। गुस्से में लग रहा है, इसकी आंखें ज़्यादा ही रेड लग रही है भाई। नॉट कमिंग सिलो मतलब बॉडीज। ओए कैसे बुलाते हैं इसको, इसका नाम मैंने रखा है बंटी। बंटी इधर आओ, देख रहे हो भाई की सुन रहा है, बंटी के लिए थोड़ी सी ये घास फूस भाई लाए, पानी, और बंटी चिल कर रहा है। क्लोज वो हे बंटी, अच्छा इधर देखो एक सेकंड, बंटी
बंडी 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 बंडी। अच्छा मेरी बात सुनो बंडी, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। गुफरान खान के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके बाय, पीस, कल मिलेंगे। ओके डन, बाय 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 बाय, सी यू। और तुम्हें कुछ मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलवाता हूँ, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फ्रेंड्स। हाँ भाई लाल, और सुनाए आप क्या कर रहे हैं आजकल? भाई अल्लाह पाक का करम है, आपको तो पता हुआ है, यानी 14 अगस्त लगी है, इसी के चक्कर में लगे हुए, इसी की तैयारी में लगे हुए। 14 अगस्त की अभी ईद गुजरी है, अभी ईद भी नहीं गुजरी, आज बकरीद पे आपने क्या कटा ये बताओ। यार हमने बकरीद पे जो है ना वो बछड़ा जिबा किया था माशाल्लाह से, और अब और आज दिखाई है। ये एहसान है, एहसान बाबा नूर का है। ये शहीर है, शहीर इंट्रोडक्शन बता, इंट्रोडक्शन देना। और हसन ये मेरा पुराना दोस्त है, सबसे पुराना दोस्त हसन। हसन कुछ कुछ कहना चाहोगे हसन? व्हाट्सएप स्टेटस पे आई गॉट अ थर्ड पोजीशन इन इंग्लिश, क्या है ये चक्कर? गांव में पोजीशन लेता है ना। ईद की रात को बारबेक्यू किया पूरी फैमिली के साथ, जो कि फैमिली बारबेक्यू था जिसमें दादा दादी चाचा चाचू सब लोग जो भी होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ के ट्रेडिशनल समोसे ट्राई करने, जो यहाँ की रिवायत शुरू से चले आ रहे हैं और सबको पसंद आते हैं। तो तुम देखना मैं घर पे ले आया हूँ, ज़्यादा खुआरी नहीं करनी, गर्मी हो रही है, 4 बज रहे हैं, मौसम अच्छा है, तो तुम देखो मैं कैसे करता हूँ उसका सीन ऑन घर पर। So if you guys enjoyed this video, hope you will subscribe my YouTube channel. I'll touch you guys in the next video. Until then, bye, bro.